नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप आयुष के चैनल में। फ्रेंड, आप आयुष आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास अभी हाल ही में शुरू किया जो कि आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा ये प्रोडक्टिव साबित होने वाला है। ना केवल MPPSC के लिए, इवन आने वाले जितने भी स्टेट PCS और UPSC में भी ये बहुत ही ज़्यादा ये जो शॉर्ट वीडियोज़ हमारे मतलब कि टीम ने स्टार्ट किए हैं, तो ये आप लोगों की एग्ज़ाम में एक प्रकार से कह सकते कि एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। और आपके जो एग्ज़ाम हाल का जो प्रेशर होता है तो वो पहले से ही आपको ये जो तो उस एटमॉस्फेयर से गुजार करके एक प्रकार से कह सकता है कि आपको एक एग्ज़ाम फ्रेंडली बनाने में बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियोज़ होंगे। तो फ्रेंड, आप लोग निश्चित तौर पर इन वीडियोज़ को देखें और जो भी आप लोगों के मतलब क्वेरीज हों तो आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स पर विदाउट एनी हेजिटेशन आप लोग अपनी क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स पर लिखें, ताकि हमारी टीम और भी बेहतर तरीके से और सकारात्मक ढंग से आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए बेहतर योगदान दे सके, है ना। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास हम लोगों ने अभी हाल ही में जैसे शुरू किया है, और इसमें से हमारा ये जो आप देख सकते हैं कि हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, टेलीग्राम है, ये दोनों आप इसमें से जो है तो ज्वाइन हो सकते हैं, और साथ ही साथ जो जिससे कि हमारे साथ भी आप एक प्रकार से जुड़ सकते हैं। हमारे जो PDF वगैरह भी जो एग्ज़ाम के इसमें इसी रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF होती हैं, है ना, तो उससे भी जो है तो आप लोग टेलीग्राम के चैनल के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी काफ़ी मतलब कि इनिशिएटिव चल रहा है, जो कि काफ़ी ब्रॉड लेवल पे चल रहा है। मोर देन 1000 स्टूडेंट उससे मतलब कि जुड़ रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग जो है तो अपनी सहभागी उसमें दर्ज करा सकते हैं, है ना। तो फ्रेंड, आज हम MPPCS का जो 2017 का पेपर था उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में 2018 का MPPCS का जो पूरा पेपर था तो उसको नए अपडेशन के साथ 2019-20 में जो जनवरी 2020 में होने वाला MPPCS एग्ज़ाम है ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं फ्रेंड। क्योंकि ये जो क्योंकि एग्ज़ाम में यदि हम देखते हैं तो एग्ज़ाम के लिए जो है तो हमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होते हैं, है ना। क्योंकि हमें जो है तो ट्रेंड एनालाइज करके अपने जो है तो पुराने पेपर से ही हम जो तो ट्रेंड एनालाइज कर पाते हैं, और बेहतर तरीके से जो है तो एक सही दिशा में हम तैयारी कर पाते हैं। तो इसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो ये हमारी जो सीरीज है 2017 का पेपर हम पूरा एनालाइज करेंगे, उसमें भी जो भी उसे पुराने अपडेट इसमें जैसे कि कुछ करंट से रिलेटेड है तो कहाँ से करंट से क्वेश्चन जो तो आयोग देता है, है ना, तो उसमें से हम कुछ जो है तो नए अपडेशन के साथ जो कि आपको 2020 में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं तो उनसे हम अपडेट करते आपको चलेंगे, है ना। तो इसलिए जो है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पास कह रहा हूँ फ्रेंड, आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखें, ये बहुत ही ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा, और निश्चित तौर पे जो है तो आप एग्ज़ाम देने के बाद इसको फील भी करेंगे, है ना। तो हम चलते हैं अपने पेपर की तरफ। कि हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, है ना। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पेपर ही माना जाता है 2017 के पेपर को, है ना, तो इसको आप लोग जरूर देखें। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा तो ये सही आंसर इसका होगा गाजी मलिक तुगलक वंश का वो था, है ना। गाजी मलिक जो है तो ये तुगलक वंश इसका सही आंसर होगा, वही गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक है जो कि जिनका जो कार्यकाल की बात की जाए तो इस उसमें सल्तनत काल में 1322-25 है ना ये रहे हैं गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक। तो ये जो तो ये तुगलक वंश का संस्थापक भी था, है ना, गाजी मलिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा तो ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि किसने दी थी, है ना। तो ये जो इसका सही इसका आंसर होगा तो ये होगा इसका सही आंसर मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था, ठीक है। वही हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यहाँ पास कि 1909 का अधिनियम किससे संबंधित था, है ना। तो 1909 का यदि अधिनियम की हम बात करें फ्रेंड, तो इसमें से हम ऑप्शन पे पहले चलते हैं। तो ऑप्शन में इसके है कि बृहद मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, कि विकेंद्रीकरण से, द्वैत शासन से, या विधान परिषद से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, है ना, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 1194 ना यानी 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था। तो इसका सही आंसर जो होगा तो होगा कौन सा, जयचंद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया, है ना।
तो यदि हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं तो फ्रेंड जो इसका सही आंसर होगा, तो हम सही आंसर पे चलते हैं, तो इसका सही आंसर दिल्ली सल्तनत का जो सबसे कम समय था वो था खिलजी वंश का। यदि हम चलते हैं कि दिल्ली सल्तनत की यदि हम बात करते हैं तो अपना मध्यकाल में जो दिल्ली सल्तनत का जो पूरा हम कार्यकाल की यदि बात करते हैं तो इसका जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर के 1526 तक माना जाता है। ठीक है, 1206 से लेकर के 1526 तक। अब इस जो दिल्ली सल्तनत काल था इसमें से जो है तो पांच वंश जो थे प्रमुख थे। अब उन पांच वंशों की हम बात करें अलग अलग, तो उनमें से पांच में से कौन कौन से थे। एक था पहला यदि हम बात करें तो वो था गुलाम वंश। ठीक है, यदि हम गुलाम वंश के कार्यकाल की बात करते हैं ना, तो गुलाम वंश का जो कार्यकाल था तो वो था 1206 से लेकर के 1290 तक, 1206 से 90 तक। ठीक है, वहीं अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं, तो दूसरे वंश जो था तो वो था खिलजी वंश। तो यदि हम खिलजी वंश के कार्यकाल पे चलते हैं तो इसका जो कार्यकाल था तो वो था 1290 से लेकर के 1320 तक। ठीक है, 1290 से लेकर के 1320 तक थे। वहीं हम चलते हैं तुगलक वंश की तरफ चलते हैं, तो जो तुगलक वंश का जो कार्यकाल था वो था 1320 से लेकर के 1414 तक। ठीक है, वहीं यदि हम चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं सैयद वंश, तो सैयद वंश जो था तो सैयद वंश का कार्यकाल था 1414 टू 1451, 1414 टू 1451 था। और जो लास्ट अपना था लोधी वंश, तो लोधी वंश का जो कार्यकाल था वो था 1451 टू 1526। ठीक है, तो ये इनके कार्यकाल थे। तो इसमें से जो सबसे कम कार्यकाल था वो किसका था, खिलजी वंश का था, यानी कि 1290 से लेकर के 1320 तक। तो इसका सही आंसर कौन सा था, ये था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना इनमें से कौन सी थी, है ना। तो यदि हम लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की महत्वपूर्ण घटना में से इन ऑप्शंस में देखते हैं, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं, कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना, या ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, की प्रथम जनगणना की शुरुआत। तो इसमें से हम ऑप्शन पे चलते हैं लॉर्ड डफरिन की, तो इसमें से जो सही आंसर होगा तो वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना। ये था महत्वपूर्ण इन पे 1885 के आसपास, ये जो था डफरिन उसी समय थे ना। तो इसका जो सही आंसर था ये था सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था, है ना। तो इसका हम जो सही आंसर है तो कौन सा सही आंसर होगा इसका, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो ये बने थे 1923 में, पहली बार बने थे, है ना, और सबसे युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे यही बने थे। उसके बाद यदि इनके और कार्यकाल की हम बात करते हैं तो जो अबुल कलाम आज़ाद थे वो तीन बार जो है तो कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। 1923 में पहली बार बने थे, फिर 1940 में बने थे, और 1945 में भी बने थे, है ना। तो ये अबुल कलाम आज़ाद से रिलेटेड फैक्ट था। वही हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियमित एवं वैज्ञानिक ढंग से जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ हुई, है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि भारत में नियमित और वैज्ञानिक ढंग से जनगणना की यदि बात करते हैं, तो यदि हम सिर्फ जनगणना की बात करते हैं तो जो जनगणना पहली जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, वो हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में, है ना, यदि हम वैसे बात करें शुरुआती तौर पर। लेकिन यदि नियमित ढंग से बात करते हैं तो नियमित जनगणना जो मानी जाती है तो वो 1881 के काल में मानी जाती है, जो कि रिपन का काल था, है ना, लॉर्ड रिपन का काल था ये। और इनको तो स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, है ना। तो इन्हीं के काल से जो है तो नियमित तरीके से जनगणना चालू हुई थी। अब इसी के साथ साथ फ्रेंड आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में, अब मतलब कि जो 2021 में नेक्स्ट सेंसस जो आने वाला है ना, जो नया जनगणना होने वाली है, तो ये कौन से नंबर की जनगणना है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं जो 2011 का जो जनगणना थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यदि हम इसको देखते हैं तो जो 2021 में जनगणना होने वाली है ना, तो वो होने वाली 16th नंबर की जनगणना उसको कहा जाएगा, याद रखिएगा। जनगणना वैसे भी 10 साल में होती है ना। और वहीं यदि हम बात करें कि 2011 वाली जो जनगणना थी वो थी कौन सी, 15वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है फ्रेंड, तो ये फैक्ट जो है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी बिल्कुल आप याद रखिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट जो है तो पूछ दिए जाते हैं कभी कभी सीधे सीधे। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है कि इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, याद रखना है कि इसमें ये पूछा गया कि भाग नहीं लिया था, है ना। तो यदि हम इसमें से देखते हैं, है ना, इन ऑप्शन पे यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन पे देखते हैं कि कौन से भाग नहीं लिए थे। तो देखें तो महादेव देसाई, प्यारे लाल नैयर, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू,
तो यदि हम देखते हैं कि द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग में नहीं लिया था तो जवाहरलाल नेहरू इसमें से सही आंसर होंगे। और बहुत ही कम लोग इसको प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें नहीं लिया होगा भाग, क्योंकि यदि बात की जाए तो जो दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था तो इसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो लोग इसको इस पे तो जाएंगे नहीं कि गांधी जी ने भाग लिया था, जवाहरलाल नेहरू भी जी जो थे इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इसीलिए इसको इसी इस तरह से जो है तो घुमाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो महादेव देसाई, प्यारेलाल नय्यर, मदन मोहन मालवी, इन्होंने पार्टिसिपेट दूसरे गोल में सम्मेलन में किया था। इवन मदन मोहन मालवी जी ने तो तीनों में ही लगभग किया था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। वहीं हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा नहीं बनाता है, कैस्पियन सागर से, है ना। तो इसमें सीधे हम इनके ऑप्शंस में देखते हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि अजरबैजान, ईरान, है ना, और इराक, कजाकिस्तान। तो इनमें यदि हम देखते हैं कि अजरबैजान से सीमा की बात की जाए तो जो अजरबैजान है, है ना, तो अजरबैजान तो उसके आसपास उसी में लगा हुआ है, उसकी सीमा तो बनती है। वही ईरान की भी सीमा जो है तो उसे कैस्पियन सागर से लगी हुई है। लेकिन यदि इराक की बात करते हैं तो इराक जो है तो उसकी सीमा नहीं लगती है इसमें से, है ना, लेकिन कजाकिस्तान की सीमा लगती है। इसके लिए आप लोगों को मैं छोटा सा एक ट्रिक बताता हूँ, इसके जो सही ट्रिक होगा तारीख, ठीक है, इसे आप लोग याद रख लेंगे, ये जो है तो हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। तो इसमें से जो है तो इसका जो आप सही उसे इसे पकड़ पाएंगे, है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कयाल क्या है, है ना। तो कयाल जो है तो इस पे से ऑप्शन पे देखते हैं, तो क्या है कि तराई मैदान है, कि गंगा डेल्टा है, कि दक्कन पठार की रेगड़ है, या केरल के लैगून है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल के लैगून। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, है ना। तो इनमें से ऑप्शन में देखते हैं कि कैनियन, नदी, ठीक है, ये तो सही है इससे संबंध, ये जीवन की बात करते हैं, ये वायु से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन जो इंसेलबर्ग है, है ना, तो ये इंसेलबर्ग है तो ये हिमनद इसका सही सुमेलन नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है ये मतलब कि इसका इनकरेक्ट, मतलब कि इसके आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही है, सी नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रॉम्बोली है, स्ट्रॉम्बोली क्या है, है ना। तो स्ट्रॉम्बोली की यदि बात की जाए तो स्ट्रॉम्बोली जो है तो ये एक जागृत ज्वालामुखी है, है ना, जागृत ज्वालामुखी है, और यानी कि एक्टिव वोल्केनो है। और ये जिसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये जो है तो इटली के सिसिली द्वीप पे स्थित है, है ना, इटली के सिसिली द्वीप पे स्थित है स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी। वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, है ना। तो जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण जो एक्ट था ये 1974 को मतलब कि लागू किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसको आप लोग मतलब कि माइंड में रखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को दो तीन बार रिपीट भी हो चुका है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है, है ना। तो 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अनुसार यदि बात की जाती है, ये अभी भी आप लोगों के एग्जाम 2020 के लिए भी 2011 के सेंसस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि जो नेक्स्ट सेंसस आएंगे वो 2021 में आएंगे, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में 2021 में यदि हो चुका होगा तब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज जो है तो जब तक ऑफिशियल सेंसस नहीं आ जाते हैं तब तक आपके लिए 2011 की ही जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो ये ऑलवेज माइंड में रखिएगा। अब यदि देखते हैं कि इसके यदि ऑप्शन पे देखें, है ना, तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो भारत की जनसंख्या घनत्व की यदि बात की जाए तो इसका जो सही आंसर होगा होगा 382 भारत की जो जनसंख्या घनत्व है, है ना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, ये है तो जनसंख्या भारत की। यदि हम इसी पे यदि थोड़ा सा एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में यदि हम जनगणना की बात करें कि घनत्व तो क्या है, जनसंख्या घनत्व, तो मध्य प्रदेश में जो है तो 236 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 236 लोग प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर रहते हैं, ठीक है, यह है जनसंख्या घनत्व तो मध्य प्रदेश का, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं मध्य प्रदेश की 2011 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें कुल जो जनसंख्या की बात की जाए तो वो तो अप्रॉक्स 7.27 करोड़ पॉपुलेशन मध्य प्रदेश की है, है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए है। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो हम ऑप्शन पे देखते हैं तो इन ऑप्शन पे है कि लिपुलेख उत्तराखंड में है क्या, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो यदि हम इसमें से देखते हैं कि सही सुमेलित नहीं है, कौन सा बोला गया है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश, ये जो इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो इसका लिपुलेख है उत्तराखंड ये सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, पालघाट केरल में, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्राय मैदान संबंधित है, है ना। तो संप्राय मैदान किससे संबंधित है, नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्न में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है ना। तो यदि हम टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र की बात करें तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि रास तंडरा तेल शोध जो शोधनशाला है कहाँ स्थित है। तो रास तंडरा जो तेल शोधनशाला है उसकी लोकेशन है कौन सी, सऊदी अरब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें आबराम कंपनी वहाँ पास सऊदी की बड़ी तेल कंपनी थी उसमें, जिसमें से मतलब कि जो अटैक भी हुए थे जो है तो इसराइल वगैरह है ना इनसे, ईरान की तरफ से, तो इसलिए ये भी तो कभी कभी इसको भी पूछा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज़ पाई जाती हैं। जिस प्रकार से ये तो तेल शोधनशाला पूछ दिया गया था उसी तरह से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है ना। तो अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है, पैपेवर सोमनी फेरम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ है ना। तो विश्व से जो चेचक का उन्मूलन घोषित करने की बात है तो कब हुआ था, 1980 पे है ना, 1980 में विश्व से चेचक का उन्मूलन कर दिया गया था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जीवाणुभोजी बैक्टीरियोफेज हैं, ये क्या है बैक्टीरियोफेज है ना। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो है जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है ना, यानी कि वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरियम, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा होगा है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परागकोष है ना, यानी एंथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ध्वनि तरंग है ना, तो ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे तेजी से मतलब कि ध्वनि किस में चलती है, तो वो है ठोस में है ना। कभी कभी इस बात इसमें ऑप्शन दे दिया करता है, तो एक ही है वो तो सॉलिड ही है, मतलब उसी का पार्ट ही है ना। तो इनका सीक्वेंस है कि ठोस द्रव कैसे इनकी जो इस वो मतलब कि तीव्रता के हम रेशियो पे देखते हैं निर्वात में, तो कोई वही होती नहीं है, ध्वनि का संचलन होगा ही नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बनता है ना। तो मनुष्य की जो वस्तु जो आँख है उसमें जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका सही आंसर कौन सा होगा, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बता भी सकते हैं है ना। इनमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा दृष्टिपटल या रेटिना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो सही आंसर होगा उसका एनक्रीशन। ठीक है, एनक्रीशन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है ना। तो कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है, काफ़ी ये फेमस क्वेश्चन भी है ना। इसको आप लोग मतलब कि समझ भी सकते हैं कि कौन से इसमें हो सकता है, बताइए आप लोग। हैजा होगा, डिफ्थीरिया होगा, निमोनिया होगा या मलेरिया होगा है ना, प्रोटोजुआ से। याद रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है ना। तो जो प्रोटोजुआ से होने वाला है तो वो होगा ये मलेरिया, इसका सही आंसर होगा है ना। अब हम थोड़ा सा मलेरिया से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हाल ही में जैसे कि 2019 में काफ़ी चर्चित भी रहा है ना, और मलेरिया से रिलेटेड तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी है ना। तो इसमें से हम देखते हैं, तो इसकी इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट पे यदि हम ध्यान दें तो मलेरिया संबंधित जैसे कि हाल ही में जो है तो एक इसका जो इंजेक्शन या वैक्सीन जो होती इसकी एक लॉन्च की गई थी है ना। तो ये वर्ल्ड में फर्स्ट वैक्सीन थी जो मलेरिया की लॉन्च की गई है, इंजेक्शन वैक्सीन है ये। इसका यदि नाम देखा जाए तो नाम भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि वर्ल्ड में ये फर्स्ट है और इसको तो WHO ने भी अप्रिशिएट किया है ना। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसका नाम क्या है ना। तो इसका जो नाम है वो है RTSS है ना, इसका जो नाम है तो ये है ना। और दूसरी बात कि इस पे से देखते हैं तो ये जो है, तो पहली बात तो इस पे देखें कि जो GSK एक कंपनी है उसने 1987 में इसे बनाया था है ना, या बनाना शुरू किया था। उसके बाद जो है तो मेलिंडा एंड गेट फाउंडेशन जो था उसने मिलकर इसे डेवलप किया था ना उसी के साथ, और फिर तब जाकर के ये जो है तो RTSS ये जो वैक्सीन है इंजेक्शन फॉर्म में है तो ये जो है तो लॉन्च की गई थी। और इसके साथ ही ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ लॉन्च की गई थी है ना। तो यदि हम देखते हैं कि जो ये मतलब कि वैक्सीन लॉन्च की गई, सबसे पहले ये बात करते हैं कि जैसे कि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीकी देश काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वहाँ पास गरीबी, पिछड़ापन है ना, अवस्थाएँ, अवसंरचनाओं का काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ पास समस्याएँ देखने को मिलती हैं। तो वहाँ पास गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याएँ भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पास जो है तो इस प्रकार के मलेरिया के जो वो देखे गए हैं आंकड़े, बहुत ज़्यादा मलेरिया के वहाँ पास मतलब कि रोगी पाए गए हैं है ना। तो इसीलिए जो है तो वहाँ पास जो है तो मलेरिया के जो टीके हैं
तो ये वहीं पे लॉन्च किया गया। उसमें से देश की बात किया तो वो देश का नाम क्या था, तो उस देश का नाम था मलावी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मलावी में सबसे पहले जो है तो मलेरिया के टीके लॉन्च किए गए हैं, है ना। तो WHO ने इसकी मतलब की तारीफ भी की है काफ़ी, है ना। तो ये जो इसकी जो इसकी लिमिटेशंस की बात की है, तो ये जो ये टीके वो किए गए हैं, ये 5 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चों तक को मतलब कि ये दिया जाएगा, है ना, ये वैक्सीन। और साथ ही साथ जो इस पर यदि बात करें तो ये आगे फिर और भी देशों में एक्सटेंड किया जाएगा इसको वहीं पे, है ना। अब थोड़ा सा मलेरिया के उस पर देखा जाए तो मलेरिया आखिर क्या है, तो ये जो परजीवी, इसका जो ये परजीवी वाहक है, है ना, तो इसका परजीवी वाहक जो है तो वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, है ना। कौन सा है, मादा एनाफिलीज मच्छर है। इसी के काटने पर ये जो परजीवी होता है तो क्या होता है कि जब ये काट लेता है मतलब कि मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर, तब जो इसका जो परजीवी है तो वो हमारे RBC में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। और RBC में प्रवेश करके ये मतलब खूब बड़े मात्रा में बढ़ने लगते हैं आपके, मतलब कि इपका से बहुत ही ज़्यादा मतलब कई उसमें बढ़ते हैं, जिससे कि फिर इपका से रक्ताल्पता, रक्त की कमी सी होने लगती है, है ना। और प्लेटलेट्स वगैरह भी गिरने लगते, तो फिर इसी के मतलब के लक्षण भी मतलब कि और भी ज़्यादा गंभीर समस्या होती जाती है, है ना। तो ये जो है तो मलेरिया की वो है। और इसके यदि इस पर और भी देखा जाए तो जो पी एक फालसी पेरम प्लाज्मोडियम को एक प्रकार जो दवा है तो टारगेट करती है स्पेशली, है ना, ये जो RTSS है किसको टारगेट करती है, फालसी पेरम प्लाज्मोडियम, है ना। यानी कि आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं क्या है कि फालसी पेरम प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मलेरिया के मतलब की समस्या देखी गई है तो इसी को उसकी, क्योंकि इसके भी 3-4 टाइप हैं, तो उसमें से जो फालसी पेरम प्लाज्मोडियम है तो उसी को ये जो दवा है तो स्पेशल तौर पर टारगेट करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी से समस्या मतलब इसी की समस्या पाई गई है इसलिए, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, है ना। तो संवहन द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो सकता है वो किस में हो सकता है, केवल और केवल गैस एवं द्रव में, ठीक है, इस पर नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो इसमें से हम देखते हैं तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं होगा, तो इसमें यदि देखते हैं कि विटामिन ए तो मैकुलन, ये सही है, विटामिन बी ये भी मैकुलन ही है, ठीक है, विटामिन सी जेम्स लिंड, और विटामिन डी पाल मूलर, तो ये जो है तो ये गलत ऑप्शन है। विटामिन डी का जो होगा वो तो होगा एडवर्ड मेनर, ठीक है, एडवर्ड मेनर, तो इसलिए जो ऑप्शन गलत हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो लेंस की शक्ति सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके 7th 8th साइंस का क्वेश्चन है, डायोप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी साइंस के मिल जाते हैं, साइंस के काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे ना, तो इसमें मतलब कि साइंस में ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपने थोड़ा भी साइंस पढ़ा है, जनरल साइंस, तो आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हो, है ना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हास गैस है, ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन और काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्टली एग्जाम में देखा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है, है ना। तो इसमें सीधे हम इनके ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शंस हैं ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। तो इसमें सीधे हम देखते हैं कि तड़ित बिजली चमकना, तो यहाँ पास यहीं से इंडिकेशन दे देता है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विद्युत ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजाम्बुल इस्लाम किस खेल से संबंधित हैं, है ना। तो फ्रेंड यदि हम बात करते हैं तो ये जो 2017 का पेपर था, 2016 में जो है तो ये 2016 की करंट थी, है ना। तो यदि हम करंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें करंट के क्वेश्चन जो है तो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है आपके लिए, है ना, लेकिन उसी टॉपिक से रिलेटेड उसी तरह के करंट जो है तो ट्रेंड के लिए जो है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेंड को लेकर के और करंट से अपडेट करके जो है तो अभी की करंट जो है तो आपके लिए उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो है तो जो जम्मू कश्मीर के 8 वर्षीय तजाम्बुल इस्लाम थी, तो 2017 में इन्होंने क्या किया था कि जो वहाँ पर सिर्फ कर से चैंपियनशिप जीती थी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी, है ना, उसमें गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चित हुई थी, है ना। तो ये किससे संबंधित थी, किक बॉक्सिंग से संबंधित थी, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था, है ना। तो मध्य प्रदेश के इनमें से कौन सा हॉकी खिलाड़ी था, तो ऑप्शन में देख सकते हैं, तो इनमें से है कौन, समीर दाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई, है ना। तो पारसी क्लब की स्थापना से हम बात करते हैं तो किसकी स्थापना शुरू हुई, मतलब कि ये क्रिकेट इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तो देखते हैं कि पारसियों ने तो एक प्रकार से भारत में जो काफ़ी क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा प्रचलन इन्होंने मतलब कि शुरू कर दिया था। इवन बात करिए तो बॉम्बे में तो क्रिकेट जो है तो पारसियों में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि हम बात करें तो 1850 के 60 के आसपास जो है तो जो वहाँ पास शहरों में बहुत ज़्यादा लगभग लगभग मोर देन 30 पारसी क्लब खुल गए थे, है ना। तो क्रिकेट का इस इतना ज़्यादा मतलब कि तब से प्रचलन वहाँ पर देखा गया। अब तो देख ही सकते हैं कि भले ही राष्ट्रीय खेल के तौर पे हॉकी को बोला जाता है लेकिन क्रिकेट कई गुना ज़्यादा उससे देखा और सुना भी जाता है ना। तो यहाँ पर मतलब कि जो है तो क्रिकेट से रिलेटेड है। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है, है ना। तो रूप सिंह स्टेडियम की हम बात करते हैं तो स्टेडियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछे जाते हैं ये मोस्टली हर साल ये क्वेश्चन इस तरह के आते ही रहते हैं, है ना। तो जो रूप सिंह स्टेडियम है ये संबंधित है कहाँ से, ग्वालियर से संबंधित है। वही यदि हम बात करें और इंदौर की बात करें तो इंदौर में जो फेमस है वो कौन सा है, होलकर स्टेडियम, ठीक है। वहीं यदि हम देखते हैं भोपाल में तो भोपाल में जो है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एस बाग स्टेडियम, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन भी है, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो भोपाल में एसबाग स्टेडियम। वहीं तो हम जबलपुर में बात करते हैं तो जबलपुर में फेमस स्टेडियम की बात की जाए तो वो है रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। वहीं चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं, है ना। तो अमिताभ विजयवर्गीय का संबंध जो है तो वो किससे था, क्रिकेट से था, है ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1987 में खेले गए क्रिकेट, है ना, 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था, है ना। तो पहली बात तो हम ये बताते हैं कि 1987 ही क्यों, है ना। तो 1987 यहाँ पास इसलिए उठाया गया था आयोग के द्वारा क्योंकि ये पहली बार ऐसा था 1987 में कि जो वर्ल्ड कप हुए थे तो वो इंग्लैंड से बाहर हुए थे। पहली बात तो ये इसका इम्पोर्टेंट है, है ना। ये पहला ऐसा मौका था और ये जो हुए थे तो इंग्लैंड से बाहर एशिया में, भारत और पाकिस्तान में खेले गए थे ये वर्ल्ड कप, है ना। तो पहली बात तो इसका ये इम्पोर्टेंट हुआ था। यदि हम इसकी बात करें तो ये जो क्रिकेट विश्व कप का जो नाम था 1987 में तो इसका नाम था रिलायंस कप, ठीक है। यदि और भी देखते हैं तो ये आपके लिए वर्ल्ड कप भी अब काफ़ी ज़्यादा, यदि हम इस एग्ज़ाम की बात करें 2020 में जो होने वाला है जनवरी में प्रीलिम्स एमपीपीएससी का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड, है ना। तो यदि हम इस पे से देखते हैं कि और भी जैसे कि वर्ल्ड कप देखें तो इसमें से जैसे कि 1996 में भी जो है तो वर्ल्ड कप कहाँ हुए थे, मतलब कि भारत में ही हुए थे, भारत यहाँ पास। और 2011 में भी जो है तो एशिया में ही जो है तो वर्ल्ड कप हुए थे, है ना। 2011 1996 यहाँ भी वर्ल्ड कप हुए थे, मतलब कि यहीं पास वहाँ पास। अब इस पे से और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के हम बात करते हैं कि 2019 में भी वर्ल्ड कप अभी हुआ है, है ना। तो 2019 में जब वर्ल्ड कप हुआ है इंग्लैंड में हुआ था, तो इस पे सीधे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करते हैं। तो इसमें हम देखें तो पहली बात तो देखते हैं कि जो 2019 के वर्ल्ड कप में कौन जीता था, तो इनमें से जीता जो था तो जीता है कौन, इंग्लैंड ही जीता है, ठीक है। इसका जो फाइनल मैच हुआ था कहाँ हुआ था, इंग्लैंड के लॉर्ड मैदान में। लॉर्ड मैदान को आप लोग समझ सकते हैं, एमपीपीएससी का क्वेश्चन भी प्रीवियस रहा है ना कि क्रिकेट का इसे मक्का मदीना कहा जाता है लॉर्ड मैदान को। तो इंग्लैंड इसमें जीता है, ठीक है। और किसके किसको हराया है, तो वो है न्यूजीलैंड, है ना। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ये हुआ था। अब इसमें सीधे हम थोड़ा सा और आगे इसमें बढ़ें तो इसमें से मैन ऑफ द मैच किसे मिला, इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया करता है कभी कभी आयोग। तो मैन ऑफ द मैच जो मिला था वो मिला था बेन स्टोक्स को मिला था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स को मिला था जो कि इंग्लैंड के ही थे। वहीं प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप यदि बोला जाए तो प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप किसे मिला था, तो वो मिला था बेन विलियमसन को जो कि न्यूजीलैंड के ही प्लेयर, न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, है ना। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो गया था। अब वहीं यदि हम देखते हैं कि अदर ऑप्शन उसमें भी देखा जाए तो जो नेक्स्ट टी ट्वेंटी यदि हम इसमें अभी 13th ये जो अभी हाल ही में मतलब 2019 हुआ था, तो ये वर्ल्ड कौन सा आईसीसी
जो वनडे वर्ल्ड कप था वो कौन से नंबर का था, वो 12th नंबर का था। अब जो नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट होगा हर साल, आप लोगों को पता ही होगा हर साल हर 4 साल में वर्ल्ड कप होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट जो ICC द्वारा ऑर्गेनाइज होगा जो वनडे मतलब कि हो गए होंगे क्रिकेट में, तो ये जो कहाँ होगा 2023 में, 2013 में कहाँ होगा, भारत में होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि इससे भारत डायरेक्ट ही जुड़ा हुआ है ना। तो 2013 में भारत जो है, सॉरी 2023 में भारत जो है तो इसे होस्ट करेगा, ठीक है, ICC को वर्ल्ड कप। अब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ और हो जाते हैं कि हम इसमें से देखें कि भारत का वर्ल्ड कप में भारत जीता कैसे है। तो ये देखते हैं कि 19 एक तो जो है तो 1983 और 2011, ठीक है, ये 2 ईयर हैं जिनमें से जो है तो भारत जो है तो इन दोनों में जीता है, 1983 के वर्ल्ड कप में और 2011 में भारत ने जीता। 2011 में तो आप लोग देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे, तो है ना, तो ये वर्ल्ड कप भारत ने 1983 और 2011 में जीता है, ठीक है। वहीं यदि हम और भी अन्य फैक्ट पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो T20 के वर्ल्ड कप है, ये तो वनडे का वर्ल्ड कप हो गया है ना ICC का, अब हम यदि हम T20 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जो T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है ना, T20 का जो वर्ल्ड कप होगा तो ICC ये भी कंडक्ट करता है, लगभग अप्रॉक्स 16 टीमें इसमें खेलेंगी, है ना। तो इसमें जो ये वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, T20 के वर्ल्ड कप, तो ये जो होने वाले हैं वो होंगे ऑस्ट्रेलिया में। और ये भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो होने वाले हैं ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि जो MPPSC में क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते रहते हैं, है ना, इसलिए जो है तो ये जो पूरे फैक्ट है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1994, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, है ना, तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो प्रारंभ हुआ था तो वो हुआ था, इसका सही आंसर होगा 1930, है ना, 1930 में। और जो यदि बात करते हैं कि 2018 का जो हुआ था, तो 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो ये हुए थे गोल्ड कोस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलिया। मोस्टली जो राष्ट्रमंडल गेम होते हैं वो लंदन में ही होते हैं, ठीक है, ब्रिटेन में ही होते हैं ना, और ये जो है तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था 2018 का, यानी गोल्ड कोस्ट कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट विश्व कप में कभी भी विजेता नहीं रहा है ना, तो ये क्वेश्चन है T20 वर्ल्ड कप में कौन विजेता नहीं रहा, तो ये भारत रह चुका है, ठीक है, इंग्लैंड भी रहा है, पाकिस्तान भी रह चुका है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं था, ठीक है, तो ये उस पर जो है तो वो था। अब ये भी जैसे कि T20 के वर्ल्ड कप होने वाले हैं 2020 में ऑस्ट्रेलिया में, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी, है ना। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण है कि T20 के जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं तो ना केवल पुरुष T20 वाले होंगे बल्कि महिला पुरुष T20 वाला वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि घुमा के क्वेश्चन पूछ दे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, लोग नहीं इसको टिकल कर पाते हैं ना, तो दोनों एक ही जगह होने वाले ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था, है ना, तो इसमें से कौन सा वर्ष का ओलंपिक लंदन में हुआ नहीं हुआ था, तो देखते हैं, तो 1967 इसका सही आंसर होगा, 1967 का जो ओलंपिक हुआ था वो लंदन में नहीं हुआ था, बाकी जो 2012 का हुआ था, 1948 का हुआ था, 1908 का हुआ था, लंदन में ही हुआ था, है ना। यदि हम देखते हैं कि ये इंपॉर्टेंट यदि ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होता है तो ये हो जाता है कि जो 2020 के ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो कहाँ होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे कहते हैं, है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सिंपल सा क्वेश्चन था ना, कंप्यूटर के भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, है ना, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, याद रखिएगा, ओपेरा है, विवाल्डी भी, मोजिला फायरफॉक्स भी, लेकिन गूगल एप्स वेब ब्राउज़र नहीं है, है ना, ये सर्च नहीं करता बल्कि जो एप्लीकेशन वगैरह दिखाता है, ठीक है, गूगल एप्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि जो है कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, है ना, तो क्रैकर्स जो जाने जाते हैं वो हैं
ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डग डग गो है एक, तो इसका सही आंसर होगा सर्च इंजन है डग डग गो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इथरनेट एक उदाहरण है, इथरनेट सही उदाहरण, इसका सही आंसर होगा वो होगा कौन सा, लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडेम परिवर्तित करता है ना, तो मॉडेम परिवर्तित क्या करता है, ये होगा ऑप्शन पे देखते हैं, तो इसके ऑप्शन में है कि एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में या डिजिटल सिग्नल एनालॉग में, है ना। इसका जो हो तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि दोनों इसके सही हैं, है ना, मॉडेम के लिए। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, है ना। तो जो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है वो हुआ है 1935 के भारत सरकार अधिनियम, है ना, इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WWE का आविष्कारक कौन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको पता ही होगा, टिम बर्नर्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर, है ना, गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है, ठीक है, और कुछ देर लुढ़कने के बाद गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने के लिए धीमी होती है क्योंकि, अब इस पे से देखते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंटिकल कह सकते हैं, व्यवहारिक क्वेश्चन है, है ना। तो इनके ऑप्शंस पे चलते हैं हम लोग, तो इनके ऑप्शंस हैं कि यदि इन पे हम देखते हैं तो कि बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, या तो ये सही है, या वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है, या ये, या गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, या गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा, तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, है ना, ये इसका जो है तो सही आंसर होगा। काफ़ी मतलब कि जो निर्माण है इनमें से किस शासक ने करवाया था, तो इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन को फ्रेंड आयोग ने डिलीट कर दिया है। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है कि मांडू में कोई जंतर मंतर नाम का महल ही नहीं है, है ना। अब इस पे सीधे हम देखते हैं, तो यदि हम जंतर मंतर की ही बात करते हैं तो ये आयोग को मतलब कि गलत क्वेश्चन था, तो इसमें सीधे देखते हैं कि मांडू में यदि देखें तो मांडू में तो जहाज महल काफ़ी फेमस है, है ना, तो वो तो यहाँ पास मतलब पूछा ही नहीं गया है, जंतर मंतर पूछ दिए हैं, है ना। तो इस पे सीधे हम जंतर मंतर के यदि बैकग्राउंड पे चलते हैं, तो जो जंतर मंतर है वो जय सिंह ने बनवाए थे, है ना, जो तो जंतर मंतर किसने बनवाए थे, जय सिंह ने बनवाए थे, ठीक है। अब इसमें से देखते हैं, तो इसमें से भी जो ये जयसिंह थे वो जयपुर के राजा थे, है ना, तो ये जो जंतर मंतर इन्होंने बनवाया था, तो इन्होंने जो है तो पांच जगहों पे जंतर मंतर बनवाया था, है ना, जयसिंह ने, तो वो पांच जगह कौन कौन सी थी, वो थी दिल्ली, है ना, दिल्ली जयपुर, दिल्ली जयपुर बनारस, है ना, बनारस उज्जैन और मथुरा। इन्होंने पांच जगह पे जंतर मंतर बनवाया था, ये एक प्रकार से खगोली वेधशाला टाइप से था, जो कि अप्रॉक्स जो इसकी ईयर की बात करते हैं तो ये 1724 के आसपास जो था उन्होंने बनवाए थे जंतर मंतर, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। वहीं यदि हम जहाज महल के उस पर बात करके, जो मांडू में बनाया गया था, काफ़ी फेमस वो भी माना जाता है, तो 1469 टू 1500 के आसपास जो बनवाया था, मांडू को बनवाया था, तो मांडू को बनवाने वाले कौन थे, जो जहाज महल मांडू में उन्होंने बनवाया था, तो वो थे गयासुद्दीन, है ना, गयासुद्दीन खिलजी, जो तो इसमें जो तो इसका सही आंसर यही था कि यदि मांडू पे देखा जाए तो इस क्वेश्चन को मतलब कि पूरा मतलब गलत फ्रेम किया गया था इस क्वेश्चन में, है ना, तो यही था। उस पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, है ना, तो इस पर से देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं युग्म है, तो इनमें यदि आप ऑप्शन पर देखते हैं तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रपति, हालांकि ये जो डाटा थे तो ये काफ़ी मतलब कि पुराने हो गए, काफ़ी इसमें कुछ चेंज भी हो गए होंगे, है ना, तो ये इस मतलब कि आपको ये ट्रेंड पता होना चाहिए कि इस तरह के मतलब प्रेसिडेंट वगैरह जो नए इलेक्ट होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को मतलब कि माइंड में रखना होगा, है ना। इसका जो सही आंसर था तो वो था कोटेड याइवरी राष्ट्रपति एंजेला मर्कल, ये गलत था, है ना, ये जर्मनी की वाइस चांसलर थे ना, तो इसका ये जो है तो ऑप्शन से आपको इजीली इसको पकड़ भी सकते थे ना, बाकी तो सब मतलब कि वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है ना,
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि केवल एक राज्य में फैले हैं, तो यदि इसमें देखते हैं तो अरावली, सतपुड़ा और सह्याद्री है ना, ये तो एक से ज़्यादा राज्यों में फैले, लेकिन जो अजंता है तो अजंता केवल और केवल एक राज्य महाराष्ट्र में ही फैली हुई है ना, ये श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, तो ये इसका सही आंसर होगा। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, तब के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़िए, अब के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तो क्वेश्चन 2017 में कुछ और थे, अब हमारे ला वगैरह कुछ उसमें भी नए संशोधन हुए है ना, तो अब जो है तो स्थितियाँ बदल चुकी हैं, तो इसमें से कुछ नए जो है उस पर पहले देखे कि पुराने में क्या थे है ना, और उसमें नए में क्या है। यदि पुराने में देखें तो उसमें जो है तो 5 साल था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल था 5 साल, लेकिन जो नए की बात की जाती है ना, तो जो न्यू अमेंडमेंट हुए हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इसका सही आंसर होगा, वो होगा तो वो होगा कितना, 3 साल, ठीक है, 3 वर्ष, ये याद रखने वाली बात है। हालांकि हम इसके लिए जो है तो एक मतलब कि छोटा सा वीडियो इसके मानवाधिकार आयोग जो 1993 के तहत जो ह्यूमन राइट्स एक्ट ये था, तो इसमें कुछ अपडेशन हुए हैं, उसके साथ ही जो है तो इसमें से एक अलग से वीडियो इसका प्रोवाइड हम करने का प्रयास करेंगे कि एग्ज़ाम के पहले पहले वो हम प्रोवाइड करवा दें। लेकिन ये जो है तो थोड़े वो जो संशोधन ये मतलब कि हुए हैं, तो आप इसको मतलब कि माइंड में रखिएगा कि 5 साल नहीं है मतलब कि 3 साल है ना। और ये राज्य और केंद्र दोनों राज्य मानवाधिकार और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, दोनों का ही कार्यकाल जो थी 3 वर्ष है, और साथ ही साथ और भी जो चेंजेस है तो हम इसको एकदम स्पीडली यदि बताने का प्रयास करना चाहें, तो इसमें से कुछ ऐसे भी मतलब कि ये भी हैं कि ये जो पहले क्या था कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग था तो उसका जो अध्यक्ष बनता था तो वो था कि जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस ही बना करते थे, लेकिन इसमें अब जो अमेंडमेंट कर दिया गया है, अब जो है तो जो राज्य मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष जो बन सकेगा तो उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी यही इसी तरह का है कि उसके अध्यक्ष भी पहले CJI ही बनते थे है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना करते थे है ना। यदि वर्तमान में बात की जाए तो HL दत्तू हमारे जो हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं है ना। तो यदि इसमें देखते हैं कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है तो इसमें जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने हाल ही में किया है ना, अपने संसद में हुआ है संशोधन, तो इसमें क्या हुआ कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश हैं वो अब बन सकते हैं अध्यक्ष है ना, इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। और साथ ही साथ जो पहले पीरियड टाइम पीरियड जो है तो 5 साल था और 70 ईयर मैक्सिमम था, तो अब जो है तो इसको बढ़ा करके मतलब 3 ईयर कर दिया गया है एक ड्यूरेशन में, एक टर्न ओवर, और वहीं 70 ईयर तो वो सेम ही है कि 70 वर्ष या कि 3 साल है ना। साथ ही साथ एक स्पेशल और इसमें चीज़ की नया प्रोविज़न है कि जो 3 साल है तो उसके बाद ही आप पुनर्नियुक्ति के भी मतलब कि फिर से आप उसमें मतलब कि अध्यक्ष बन सकते हैं है ना, ये भी ऑप्शन मतलब खुले रखे गए हैं है ना, ये इसका स्पेशल प्रोविज़न हो गया है पुनर्नियुक्ति के लिए, स्पेशल मतलब कि इसमें कंडीशन लाग दी गई है। साथ ही साथ यदि हम इसमें कुछ और भी यदि फैक्ट की बात करते हैं तो इसमें तो जैसे कि बात कर कि जो ये अध्यक्ष होते हैं मानवाधिकार आयोग के, तो इनका जो यदि इलेक्ट कैसे किया जाता है तो ये आप लोगों को पता ही होगा कि डायरेक्ट राष्ट्रपति ही नहीं, राष्ट्रपति तो नियुक्त करता है ना, याद रखना है कि राष्ट्रपति इसको नियुक्त तो करता है उनको, लेकिन स्पेशल तरीके से एक जो समिति होती है तो उस समिति की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति अपने से अपने विवेकाधिकार शक्तियों के उससे नहीं नियुक्त करता है ना। यानी कि ये जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक जो कमेटी बनती है ना, तो उस कमेटी के सुझाव पर वो जो परामर्श देती है तभी अध्यक्षों का चुनाव होता है। इसी तरह से राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का भी इसी प्रकार से चुनाव होता है ना, उनको भी इसी प्रकार से जो है तो राज्यपाल जो है तो नियुक्त करता है, जो कि मुख्यमंत्री की से कैबिनेट से मतलब कि मुख्यमंत्री की उससे समिति बनती है अध्यक्षता में, तो वो उनको मतलब कि परामर्श देती है, तब जाकर के नियुक्ति होती है उनकी है ना। तो ये स्पेशल प्रोविज़न है। साथ ही साथ आप लोग और मतलब कि कुछ देख सकते हैं कि जैसे कि इसमें जो सदस्यों की संख्या भी अब जो तो इंक्लूड किया गया है कि पहले जो SC ST है ना और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष ही सदस्य हुआ करते थे इसमें, तो अब इसमें से कुछ स्पेशल और भी जोड़ दिया गया है, जिसमें से OBC है ना, OBC को भी जोड़ा गया है ना, एक ये स्पेशल है। साथ ही साथ जो है तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के भी अध्यक्ष को इसमें जो है तो सदस्य बनाया गया है, और वहीं जो दिव्यांगों के जो मुख्य आयुक्त हैं उनको भी जो है इसमें सदस्य बना दिया गया है ना, ये स्पेशल प्रोविज़न इसके लिए हो गया है ना। तो ये जो है तो इस प्रकार की मतलब कि स्पेशल कंडीशंस हैं। साथ ही साथ एक और स्पेशल इसमें प्रोविज़न ये भी हो गया है कि जो
क्या होता था कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं है ना, यूनियन टेरिटरी अपनी है, तो उनके जो मामले थे तो वो पहले केंद्र को ही होते थे, दिए जाते थे। लेकिन अब जो है तो यूनियन टेरिटरी के जो मामले हैं तो वो राज्य मानवाधिकार आयोग को भी सौंपे जा सकते हैं। इसके लिए एक्सेप्शन या अपवाद के तौर पर देखा जाए दिल्ली के मामलों को ऐसा नहीं है। दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ जो है तो जो इस तरह के जो दिल्ली में मामले होंगे तो वो तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही हैंडल करेगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि मतलब कि जो जो तो अपना NCR है दिल्ली, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्पेशल प्रोविज़न जो है तो इसमें संशोधन किए गए, तो ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। सभी एग्जाम में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, MPSC में तो पूछा ही जाता है ना, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो ये हो गया, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया, है ना। तो इस पर हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो इसका जो ऑप्शन पर देखें तो इनका सही ऑप्शन होगा NM लोखंडी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रूट किस खेल से संबंधित है, है ना। तो जो रूट सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैकब जुमा से जुलाई 16 में मिले जो हैं, ये अपने करंट जैसे ये तो आउटडेटेड करंट हो गई है ना, इसके ज़्यादा मतलब की भूमिका नहीं है, ये तो बस आप लोगों को ऐसे ही पता ही होना चाहिए नॉर्मल सी, है ना। ये आपको पता कि जैसे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे, लेकिन जो वर्तमान में तो ये राष्ट्रपति अब नहीं रह गए हैं, है ना। यदि वर्तमान में यदि बात की जाए कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं सिरिल रामाफोसा, है ना। इनके नाम भी मतलब कि काफ़ी हम लोगों तो ऑड ही लगते हैं, सिरिल रामाफोसा जो तो इनका नाम है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि काफ़ी यदि हम MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो MPPSC में आप लोग क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर को उठा के देख भी सकते हैं कि मोहन बागान क्लब से मतलब कि MPPSC को काफ़ी कुछ प्रकार से दोस्ती सी हो गई, क्योंकि बहुत इसको पूछते हैं ये, है ना, प्रीलिम्स में। तो यदि हम इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, आखिर ये फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना तो ठीक ही है, इसका थोड़ा सा और भी हम बैकग्राउंड जानने का प्रयास करेंगे। तो यदि बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1889 पे, है ना, 15 अगस्त 1889 पे, है ना। इसके यदि अन्य फैक्टर की बात करते हैं तो ये जो मोहन बागान क्लब है ये कहाँ पास है, ये है अपना कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में है, ये फुटबॉल का क्लब है, ठीक है, मोहन बागान क्लब कहता है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं कि भारत का जो है तो नेशनल फुटबॉल क्लब माना जाता है, ठीक है, नेशनल क्लब है भारत का। और वहीं जो मोहन बागान है तो मोहन बागान जो किसी भी यूरोपीय टीम को हराने वाली ये फर्स्ट भारतीय टीम थी, ये इसका स्पेशलिटीज़ है ना, कि मोहन बागान जो टीम थी ये यूरोपीय टीम को, यानी कि यूरोपीय तो वैसे भी यदि फुटबॉल में देखा है तो भारत में फुटबॉल का क्रेज बहुत ही कम है ना देखा जाता है, क्रिकेट तो बहुत ही ज़्यादा है ना। तो फुटबॉल में जो है तो यूरोपीय किसी यूरोपीय टीम को हराने वाली पहली भारतीय टीम थी, तो ये थी स्पेशली, इसकी स्पेशलिटी ये है ना कि जो कि 1911 की बात की जाए 1911 में ये इसने हराया था, जो कि ईस्ट यार्क शायर रेजिमेंट को इसने हराया था, है ना। ये इसकी स्पेशलिटीज़ हैं मोहन बागान क्लब की, 1989 में स्थापित हुआ था, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2016 में निम्न में से किस देश में पहली बार महिला राष्ट्रपति बनी, है ना। याद रखिएगा जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट की तो बातें होती है, तो ये न केवल नेशनल तक ही सीमित है बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल तक ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, है ना। यदि इसमें से यदि हम बात करें कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यदि पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट में यदि वीमेन एम्पावरमेंट होता है तब तो वो और भी बड़ी बात है, है ना। तो फिर एक प्रकार से एग्जाम्पल सेट करने वाली भी बातें हो जाती हैं, है ना। वहीं यदि हम बात करें तो भारत में हालांकि हमारी प्रतिभा पाटिल जी रह भी चुकी हैं महिला राष्ट्रपति, है ना, लेकिन यहाँ पास चर्चित हो गया, इसीलिए चर्चित हुआ क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी यहाँ पास, है ना। तो वो कौन सा देश था, तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं कि वो था ताइवान, है ना। ताइवान में ये ताई इंग बेन करके यहाँ ये जो वहाँ पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, है ना। ताइवान को आप लोग जानते हैं कि चीन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि चीन जो है तो अपनी टू नेशन वाला सिस्टम की वहाँ पास जो है तो पूरी प्रकार से चीन अपने ऐसे पार्टी बताता है, है ना। तो ये ताइवान का, वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 के फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता, है ना। तो इस पर यदि हम देखते हैं तो इस पर तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना, विंबलडन, तो इनसे रिलेटेड मतलब कि हर साल MPPSC में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। तो ये तो आपके लिए 2016 का ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हालांकि इसका आंसर नोवाक जोकोविच था, लेकिन यदि हम देखते हैं कि 2019 का जो US ओपन था ना,
तो 2019 का यूएस ओपन था, वो किसने जीता है, वो है राफेल नडाल ने, ठीक है। वहीं एकदम फ्रेंच ओपन की बात करें, ये तो यूएस ओपन था 2019 का, वहीं फ्रेंच ओपन की बात करते हैं तो 2019 का जो फ्रेंच ओपन था वो भी राफेल नडाल ने ही जीता है, ठीक है। तो यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ही राफेल नडाल ने जीता है 2019 का। वहीं यदि हम बात करते हैं कि फ्रेंच ओपन में महिला एकल का किसने जीता है, तो फ्रेंच ओपन में जो महिला जीती हैं वो हैं एस्ली बार्टी, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, एस्ली बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोहर आइज को पॉकेट हरक्यूलिस कहा जाता था, तो वे थे एक मनोहर आइज कौन थे ना। तो इस पर यदि हम देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बॉडी बिल्डर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सबवन एवं बहादुर सबवन क्या है ना। इस तरह की यदि आप लोगों को मतलब कुछ मतलब कि नए टर्मिनोलॉजी टाइप से दिख जाए तो वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। तो इसमें सीधे देखते हैं तो ये आखिर ये क्या है, इनमें आप बताएं कि दो लड़ाकू विमान हैं, कि दो पनडुब्बियाँ हैं, कि धान की दो नई किस्में हैं, है ना, कि गेहूँ की किस्में हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो होता है धान की दो नई किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में रोड्रिगो ड्यूटर्टे किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है फिलीपींस सही आंसर है, अब भी है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 16 को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का शपथ किसने दिलवाई थी, तो इसमें से राज्यपाल का नाम पूछा गया था केशवनाथ त्रिपाठी, इसका सही आंसर होगा ना। ये अभी करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बस ऐसे ही जानने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट डाटा सेंटर STC प्रारंभ करने वाला पहला भारतीय राज्य है, है ना। तो इसका जो सही आंसर था वो था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किस राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में देखा है तो ये असम जो था, तो यहाँ पास जो है तो पहली बार सरकार BJP ने बनाई थी, है ना। इसके यहाँ के CM जो था सर्बानंद सोनोवाल है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म स्थान था, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा होशंगाबाद, है ना। होशंगाबाद जो है इनका जन्म स्थान है, जो कि इनका जो जन्म हुआ था 1913 में हुआ था, है ना। वहीं इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी नरसिंहपुर में, है ना। 1935 के आसपास जो थे इनकी मृत्यु हुई थी नरसिंहपुर में, है ना। भवानी प्रसाद मिश्र का MP काफ़ी अच्छे कवि लेखक भी रहे हैं, है ना। तो वहीं चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनील लांबा कौन है। तो ये क्वेश्चन मतलब कि ये भी क्वेश्चन जो है तो यदि हम करंट के हिसाब से बात करें तो ओल्ड ही हो चुका है, आउटडेटेड है, लेकिन इसी ट्रेंड में जो है तो और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें जैसे कि ये भारत के 30वें जो है तो नौसेना प्रमुख थे, लेकिन अब ये भी चेंज हो चुके हैं, है ना। हम यदि 2019-20 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत के जो नए नौसेना प्रमुख हो गए हैं वो हैं 24th नंबर के, उनका नाम क्या है आपको ये पता होना चाहिए, करमवीर सिंह, ठीक है। करमवीर सिंह इसका जो है तो सही आंसर होगा, ये भी याद रखिएगा। ये अप्रैल 19 में बने हैं, 24th नौसेना प्रमुख हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2016 है ना में इनमें से किन्हीं विश्व के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष चुना गया, है ना। तो इसमें से हम देखते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सुनील भारती मित्तल था, ठीक है। तो सुनील भारती मित्तल सही आंसर था, ये भी करंट में ज़्यादा इसका रिलेवेंट नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, सही आंसर इसका होगा 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त BS Bassi मई 16 में किस पद पर नियुक्त किया गया उनको, है ना। तो जो BS Bassi थे उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, तो UPSC के जो सदस्य होते हैं या उसके अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आप लोग जो है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये आपको तभी फिर आपको यही पता हो जाएगा कि जब 2016 में ये बने थे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तो कब रिटायर होंगे, ठीक है, या अभी होंगे कि नहीं होंगे, ये भी आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मई 2016 के निम्न में से किस देश की यात्रा की, है ना। ये क्वेश्चन है तो तब के पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो इसका जो सही आंसर तब था तो जो था चीन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सानिया मिर्जा के मिक्स डबल्स का पार्टनर इवान डोडिस किस देश से है, है ना। तो ये जो है तो उस पर तब क्वेश्चन था, इसका सही आंसर था वो था क्रोएशिया। ये आप लोगों के लिए अभी के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग इसको छोड़ भी सकते हैं। ये तो तब 2016 के 17 के सीनरी जैसे था, है ना। 19 में कुछ इससे रिलेटेड कुछ अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है कि सुहेल सेठ की उस पुस्तक का नाम क्या है जिसका विमोचन जून 2016 में लंदन में हुआ था, है ना। ये सुहेल सेठ की जो बुक थी आप लोग इसको ऐसे ही मतलब कि माइंड में रख सकते हैं, मंत्राज फॉर सक्सेस, जो है इसका सही आंसर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि खजुराहो मंदिर से चोरी हुई उस प्रतिमा का क्या नाम था जिसे कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा, है ना। तो इसका जो सही आंसर था वो था पैरेट लेडी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है, है ना। ये तो इजली आप लोगों को पता ही होगा कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं होगी, है ना। तो उसमें सही आंसर था उत्तर रामचरित जो होती है नहीं लिखी थी, बाकी मेघदूतम, कुमार संभव, मृत्यु संहारम, है ना, मालविका अग्निमित्रम, ये जो है तो कालिदास की पुस्तकें हैं ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है, है ना। तो इस पे देखते हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ग्वालियर। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है, क्या उसमें मुद्रा पूर्ति रूप पूर्ण रूप से नियंत्रित है, या उसमें घाटा वित्तीयन होता है, या केवल निर्यात होते हैं, या ना निर्यात ना ही आयात होता है। तो आपको पता ही होगा कि बंद अर्थव्यवस्था होती है मतलब कि पूरी तरह से क्लोज, या कि ना कि एक्सपोर्ट ना तो इम्पोर्ट, यानी कि इसका आंसर नंबर डी सही होगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पंचवर्षीय योजना जो है तो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, तो 2012 से 2017 तक इसकी ड्यूरेशन थी, है ना। लेकिन जैसे ही 2014 में न्यू गवर्नमेंट बनी तो उसके बाद फिर 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है। उसी योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग नेशनल इन्फॉर्मेशन मतलब कि उसमें जो तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कर दिया गया, है ना, भारत परिवर्तन आयोग इसका नाम बदल दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया। तो ये जो नीति आयोग है तो इसने क्या कर दिया कि जो पंचवर्षीय योजना का जो प्लान था पूरा, तो इसको चेंज करके इसको नए फॉर्मेट में ला दिया इन्होंने, अपने नए उस पर जो है तो पॉलिसी को वो कर दिया। तो ये तीन उस पर मतलब कि किए जाते हैं, एक तो 3 ईयर इनके प्लान होते हैं, है ना, 3 ईयर के इनके एक्शन प्लान है, वहीं 7 ईयर का जो तो उसमें मध्यम अवधि के एक प्रकार से इनका जो प्लान, इसको इन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया है ना। और वहीं एक जो होगा तो वो इनका होगा लगभग लगभग जो है तो 15 ईयर का लक्ष्य है, ठीक है। ये इनके तीन जो हैं तो टारगेट मतलब कि अपनी ड्यूरेशन में इन्होंने बनाए हुए हैं, है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विज़न 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है, ना। इसका जो सही आंसर था वो है SP गुप्ता समिति के द्वारा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ना। तो इस पर से देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, ये सही है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1921 के तहत आया था, है ना, तो ये भी सही है। नेक्स्ट पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 तो ये हुआ था 1997 में, ये भी सही है। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोगों का फॉरेस्ट एग्जाम भी साथ में इसी को होने वाला है, तो इसलिए जो है तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि आते हैं, है ना। तो इस पे से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये जो है तो इसका गलत है ना, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, ठीक है, जो कि ओजोन परत के डिप्रेशन से मतलब उसको संरक्षण के लिए ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना, 1987 का। लेकिन यदि वही हम बात करते हैं कार्बन ट्रेडिंग की बात की जाए तो जो कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से जो है तो जो जिसमें कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन या ग्रीन हाउस इमिशन को कम करने के लिए जो है तो ये बातें हुई थी, तो तब से जो है तो कार्बन व्यापार शुरू हुआ था, है ना। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है, है ना। तो इसका जो सही आंसर था वो है कि यह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान करता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में हुई भारत जिम्बाब्वे एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में मैन ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया, है ना। तो ये 2016 काफ़ी अपडेटेड है ना, इसका सही आंसर तो KL राहुल था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आईपीएल 9 2016 का फाइनल मैच किस राजकीय स्टेडियम में खेला गया था, है ना। तो ये तो इसका जो सही आंसर कर्नाटक था, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं, बल्कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि 2019 आईपीएल का फाइनल मैच जो होता है वो किस कहाँ पास हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला गया था ये। और इसमें और भी यदि कुछ फैक्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें से जो जीता गया था तो मुंबई इंडियंस इसमें जीती थी, विनर हुई थी, ठीक है। मुंबई इंडियंस जीती थी किसको हरा करके, चेन्नई सुपर किंग को हरा करके, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था, ठीक है। तो रश्मि रेखा पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पास पूछा गया है ना, तो इसका जो सही आंसर था वो था बालकृष्ण शर्मा नवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था, तो ये था झाबुआ जिला, ठीक है, झाबुआ जिले के भावरे गांव में, ठीक है, तो भावरा गांव उनका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कि इनमें से कौन परमार वंश का नहीं था ना, तो परमार वंश का कौन सा नहीं था देखते हैं, तो उपेंद्र ये थे, मुंज ये भी थे, उदयदित्य भी थे, लेकिन गांगेय देव जो थे परमार वंश के नहीं थे ना, इसका सही आंसर सी होगा। वहीं हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धंगदेव किस वंश का शासक था, है ना। यदि हम धंगदेव की बात करते हैं तो ये था जेजाक भुक्ति के चंदेलों का शासक था, ठीक है। वहीं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हबीब तनवीर का जन्म निम्न से किस स्थान पर हुआ था, है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है, है ना। तो इसमें विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान पूछा गया है, आप लोग को स्पेशल याद रखना है कि एस सी एस टी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, सिविल राइट्स प्रोटेक्शंस एक्ट 1955। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो जो 2018 के पेपर में डिस्कस किया था इसके बारे में काफ़ी विस्तार से जो है तो चर्चा भी किया है, है ना। तो ये भी जो तो आपके ये एक्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले इसको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बोला जाता था, है ना। वहीं आपको ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। वहीं एस सी एस टी एक्ट रूल 1995 ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी क्वेश्चन काफ़ी कुछ पूछेगा। 2018 के पेपर उठाकर आप देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन इन एक्ट से पूछा गया है, है ना। तो इसलिए ये तो आपके लिए इनको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं ना। तो यदि हम चलते हैं अपने इस पे कि एस सी एस टी एक्ट जो 1989 के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय के जो प्रोविज़न किए गए हैं, तो विशेष न्यायालय के जो प्रोविज़न किए गए वो किस आर्टिकल में किए गए हैं, तो उसका जो सही आंसर होगा वो है आर्टिकल 14, ठीक है। आर्टिकल 14 में जो तो विशेष न्यायालय के प्रावधान हैं, लेकिन अब हम कुछ स्पेशल और भी चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं, तो आखिर धारा 17 में क्या है फिर, है ना। तो धारा 17 में देखने का प्रयास करते हैं हम लोग, तो जो धारा 17 है इसमें, तो धारा 17 पे देखें तो एस सी एस टी एक्ट की 1989 की धारा 17 कहती है कि कोई भी जैसे डीएसपी रैंक, है ना, डीएसपी रैंक या इससे ऊपर का ही अधिकारी या मजिस्ट्रेट होगा जो कि एस सी एस टी के बचाव है, तो किसी पर जांच के समय यदि उसे आशंका होती है उस पर निवारक कार्यवाही के लिए वो क्या कर सकता है कि उस क्षेत्र को एक प्रकार से अत्याचारग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है, है ना। डीएसपी रैंक या उसके या मजिस्ट्रेट लेवल का याद रखना है ना, कि धारा 17 में ये प्रोविज़न है। वही हम बात करते हैं धारा 21(1) और 21(3), तो ये धारा 21 ही जो है तो एक्ट को काफ़ी ज़्यादा मतलब और इसके दायरे को विकसित करने, है ना, और इसके इम्प्लीमेंटेशन संबंधित यह है तो प्रोविज़न करती है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किए गए प्रावधानों किए गए अपराधों के लिए जाँच अधिकारी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, है ना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन 1995 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसका जो सही आंसर है कि जो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा वो अधिकारी वो होगा 30 दिनों के अंदर, है ना, अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। वहीं कुछ स्पेशल और चीज़ों पे देखते हैं हम लोग, तो धारा यदि इस पे देखें हम तो धारा 15 ये तो 30 दिन ठीक है, ठीक है, लेकिन यदि इसी एक्ट की हम यदि धारा सेक्शन 14 की सॉरी सेक्शन हम 15 की बात करते हैं, ठीक है, तो सेक्शन 15 जो है तो कुछ स्पेशल प्रोविज़न करती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बताया जा रहा है कि ये जो सेक्शन 15 है तो ये कहता है कि राज्य सरकार जो है तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी, है ना। अब हम लोक अभियोजक की बात करते हैं तो फिर लोक अभियोजक कैसे, है ना, तो जो लोक अभियोजक होंगे तो लोक अभियोजक जो होंगे ये हर विशेष न्यायालय के लिए एक विशेष लोक अभियोजक का प्रोविज़न होगा, उसे नियुक्त किया जाएगा, है ना। और इनकी यदि हम एलिजिबिलिटी की बात की जाती है तो लोक अभियोजक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि कम से कम यानी कि मिनिमम उसने
क्या किया हो कि 7 वर्ष तक वो किसी अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय उसने किया हो या विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए पात्रता उसने प्राप्त की हो तो वही लोक अभियोजक होगा। तो सेक्शन 15 जो है तो एक प्रकार से लोक अभियोजक के लिए राज्य सरकार को ये स्पेशल प्रोविज़न उसको नियुक्त करने के लिए देती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, है ना। तो इसमें चलते हैं, तो इसमें से मतलब कि कौन सा संबंधित है, जिसका जो सही आंसर होगा वो ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है, तो जिसके अध्यक्ष थे ना, तो इसका जो सही आंसर है वो होगा विजय केलकर, ठीक है। वहीं हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया, है ना। तो काफ़ी मतलब कि ये इजी क्वेश्चन भी है, ठीक है। आपको भी पता ही होगा कि लोक कर्तव्य मतलब कि ये जो मूल कर्तव्य थे तो उनका जो उल्लेख संविधान में कब किया गया है, है ना। तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा 42वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसी के तहत जो तो मूल कर्तव्यों को इसमें मतलब कि उल्लेख किया गया है संविधान में, है ना। ये पता ही होगा कहाँ से लिया गया है, रशिया से, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार प्राप्त होता है, है ना। केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राधिकार प्राप्त होता है, तो इसका जो यदि हम इस पर देखते हैं तो इसका सही आंसर होगा भारत के संविधान से, ठीक है। तो भारत के संविधान से राज्य और केंद्रीय सरकार को एक प्रकार से प्राधिकार प्राप्त होता है। अब यदि हम इसमें से बात करते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक और एक प्रकार से होम टास्क मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कि अब आप लोग बताएं कि भारत का संविधान कहाँ से अपने सरकार मतलब अपनी शक्तियाँ प्राप्त करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। हालांकि मेरे इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में इस आंसर को देना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है, है ना। तो दबाव समूह के रूप में माना जा सकता है तो है, जैसे कि देखते हैं कि लोकसभा के सदस्य तो ये तो दबाव समूह नहीं है, है ना। वहीं पंचायत के सदस्य इनको भी नहीं, मंत्रिमंडल के सदस्य ये भी नहीं है, यानी कि मजदूर संघ के सदस्य जो हैं तो ये प्लस इनको दबाव समूह माना जाता है ना। तो इसका आंसर ये होगा। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट जो है तो 2017 के पेपर का एनालिसिस किया है। तो ये निश्चित रूप से आई होप ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा ये वीडियो, है ना। वहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों का जो इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को भी आप लोग मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ने का प्रयास करें। ये निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको इसी तरह से न्यू अपडेटेड वीडियोज़ मिलते रहें, है ना। तो इतने ही, धन्यवाद।